राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर द्वारा हृदय रोग तज्ञ डॉक्टर विश्वास झाड़े पर लगाए गए गंभीर आरोपों के कारण चंद्रपुर के वैद्यकीय क्षेत्र में मचा हड़कंप। दोनों राजनीतिक दलों से जुड़े होने के कारण राजनीतिक विशेषज्ञ भी इन आरोपों के कारण अचंभित हो रहे हैं। आखिर क्या है यह मामला, जानते हैं इस खबर में। चंद्रपुर शहर वैद्यकीय क्षेत्र में एक बार फिर चर्चा में आ रहा है। कुछ ही दिन पूर्व यहाँ के नामचीन डॉक्टर ज्योति चिद्दरवार पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि डॉक्टर ज्योति चिद्दरवार ने उन पर लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया था। उसके कुछ ही दिन बाद डॉक्टर विश्वास झाड़े द्वारा दी गई उपचार पद्धति पर प्रश्न चिन्ह निर्माण किया गया है और यह प्रश्न चिन्ह पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तथा वर्तमान राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर द्वारा किए जाने से चंद्रपुर के वैद्यकीय क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। लगभग एक माह पूर्व हंसराज अहिर के भाई हितेंद्र अहिर को हार्ट अटैक आया था और उन्हें डॉक्टर विश्वास झाड़े के निजी अस्पताल में दाखिल किया गया था और कुछ ही समय में उनकी मृत्यु हुई थी। अब जबकि इस घटना को बीते हुए कई दिनों के बाद हंसराज अहिर द्वारा डॉक्टर विश्वास झाड़े पर यह आरोप लगाया गया है कि डॉक्टर विश्वास झाड़े के उपचार में कमी के कारण हितेंद्र अहिर की मृत्यु हुई। हालांकि हंसराज अहिर और डॉक्टर विश्वास झाड़े दोनों की राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए पुलिस विभाग भी हर कदम संभल कर रख रहा है और इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु द्वारा मीडिया को जानकारी दी गई। त्यांची जे भाऊ आहेत ते 12 जानेवारीला दवाखान्यामध्ये उपचाराकरता ऍडमिट झाले होते, तर काहीतरी डॉक्टरांकडून निष्काळजीपणा झालेली आहे आणि ट्रीटमेंट योग्य झाले नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे। त्यानुसार आमची चौकशी सुरू आहे, आमचे चंद्रपूर शहरचे SDPO नंदनवर साहेब यांच्याकडे चौकशी सुरू आहे। चौकशीत जे काही निष्पन्न होईल त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाईल। हालांकि इस संदर्भ में जब CTV के प्रतिनिधि ने डॉक्टर विश्वास झाड़े से उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया तो उन्होंने इस मामले में प्रतिक्रिया देने से इनकार किया। वहीं वर्तमान में स्वयं अहिर दिल्ली में उपलब्ध होने के कारण इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए उपलब्ध नहीं हुए। अब देखना यह है यह मामला किस करवट बैठता है, इसकी ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। CTV के लिए हमारे प्रतिनिधि वैभव व्यारकर की रिपोर्ट।